प्लेन ड्रॉ किया, इसके अंदर मेरे को जितने सेगमेंट्स चाहिए मैं ड्रॉ करूंगा, ध्यान देना, अभी कोई बात नहीं करेगा एक दूसरे से। सेगमेंट की जरूरत है मुझे, सेगमेंट देखने के लिए, सेगमेंट देखने के लिए F4। अभी मुझे क्या बनाना है, ये जो प्लेन सरफेस है ना, जितने सेगमेंट है ना वहां पे मुझे खाली लाइन चाहिए, या मुझे जाली बनानी है, ऐसे टाइप की कोई जाली बनानी है, जितने सेगमेंट चाहिए उतने में सेगमेंट लूंगा। तो जाली का जैसे बीच वाला जो गैप है वो मैं डिसाइड करूंगा मुझे कितना चाहिए, या ऐसा भी चाहिए तो ऐसा बना सकता हूँ, ऐसा भी चाहिए तो ऐसा भी बना सकता हूँ। अपने को एक एक मॉडिफाई डालना है जिसका नाम है लैटिस, लैटिस ये मॉडिफाई मैं खाली पुट करूंगा इसके ऊपर। अभी इसके बीच में ना जो डॉट डॉट दिख रहा है ना, ऐसा ये गोला गोला दिख रहा है, इसका जरूरत मुझे नहीं है, समझे, नहीं चाहिए मुझे, तो मैं ये चेंज कर सकता हूँ। मुझे खाली चाहिए ओनली एजेस, तो मैं यहाँ पे ओनली एजेस ये रखूंगा, बोथ रखेंगे तो वो डॉट के साथ आएगा, फ्रॉम वर्टेसेस रखूंगा तो ओनली वो डॉट दिखेगा। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसका रेडियस और सेगमेंट्स बढ़ाना पड़ेगा अपने को, तब जाके ये चेंज होगा। हाँ ये भी चेंज होगा, सेगमेंट आपको जैसे चाहिए, आपको जैसा राउंड बनाना है वैसा राउंड बना सकते हो, जितना स्मूथ आपके डिजाइन के हिसाब से रखना पड़ेगा उतना रखो। सेगमेंट और यहाँ पे डाल सकते हैं सर बीच में, अगर आपको जरूरत होगी तो, समझो ये जाली मुझे बेंड करनी है तो मैं बेंड करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे मुझे सेगमेंट देने पड़ेंगे, देन मैं इसके ऊपर बेंड मॉडिफाई पुट कर सकता हूँ, तब जाके ये मेरा बेंड होगा। जो एक्सिस में मुझे बेंड करना है वो एक्सिस में मैं बेंड करूंगा। आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो मेटालिक स्ट्रक्चर बनता है ना, तार शेड वगैरह बनते हैं, हाँ कॉलेज का ही देखो, जो मेन एंट्री है सर्कुलर में, तो वैसा पर वैसा करना है, वैसा करो, या फिर ऐसा कुछ डिजाइन रहेगा, ऐसा वैसा भी बना सकते हो, या फिर मुझे कार पार्किंग जो अभी बनाते हैं ना न्यू कंस्ट्रक्शन में, वो भी ऐसे ही रखते हैं, लगभग ऐसा रहता है। मैंने इसका गिज़्मो पॉइंट है वो चेंज कर दिया, तब जाके वो यहाँ से बेंड करना चालू करेगा एक साइड से, आप ये गिज़्मो पॉइंट जहाँ पे रखते हो वहाँ से वो बेंड करना चालू कर, पैसा चाहिए, मैंने सेंटर में रखा है, सेंटर से हो रहा था, मैं चेंज कर रहा हूँ, तो वैसा भी बना सकते हो। समझो मैंने वर्टेसेस रखा हूँ और यहाँ पे मुझे और चेंज करना है, मैं इसका रेडियस जैसा रहेगा वो हिसाब से मैं रखूंगा, देन इसके अंदर सेगमेंट डालूंगा तो प्रॉपर अपना स्पीयर बनेगा। ऐसे इससे आप एक शैंडिलियर बनते हैं, देखे रहेंगे आप, जो गोले 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 रहते लाइन में रहते, इसको खाली आपको कॉपी कॉपी करना है, बस बन गया, इसका ग्रुप बना दो, शैंडिलियर बन गया। ओके समझा लैटिस मॉडिफाई कैसे काम करता है, क्लियर? और कौन से मॉडिफायर है अभी हम लोग, ये FFD नाम की जो चीज है ना ये पढ़ेंगे आज, FFD, तीन टाइप के FFD है, सॉरी फोर, चार टाइप के FFD है, FFD 2x2, FFD 3x3, FFD 4x4, FFD बॉक्स। ओके ये चार टॉपिक्स है वो हमको आज कवर करने हैं। आप FFD कब यूज करोगे, जब आपका स्मूथ ऑब्जेक्ट्स है और उसके ऊपर आपको कुछ एडिटिंग करना है, थोड़ा बहुत चेंजेस करने रहे, तब आपको FFD ज़्यादा यूज होगा। FFD बहुत जगह यूज होता है, ऐसा नहीं कि मैं वही टॉपिक में बोल रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ हम लोग स्मूथ जहाँ पे है वहाँ पे यूज करते हैं। जैसे कि आपका सोफा है उसका लेंथ थोड़ा चेंज करना है, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है, तो आप वैसा भी बना सकते हो। देन पिलोज होते हैं, कर्टन्स होते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, जो स्मूथ ऑब्जेक्ट्स है
मैंने एक चैम्फर बॉक्स ले रहा हूँ यहाँ पे मैं, और इसके अंदर सेगमेंट्स पुट करते हैं। हाइट में जैसा चाहिए आपको उतना सेगमेंट में डाल रहा हूँ, लगभग मैंने इतना डाल दिया। अभी इसके ऊपर हम लोग पहला लेते हैं FFD। FFD के लिए आपको F प्रेस करना है, तो आपको जितने F से जो स्टार्टिंग है वो शो होएंगे। सबसे पहले लेते हैं FFD 2। ओके, अभी ये 2 क्या टॉपिक है या फिर ये 3 क्या है, 4 क्या है वो देखेंगे। जैसे मैं FFD 2 डालता हूँ, यहाँ पे जो छोटा एरो है इसके अंदर जाते ही दिख रहा है ना सबको, इसके अंदर अपने को जाना है कंट्रोल पॉइंट्स। कंट्रोल पॉइंट से क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मेरा स्मूथ है, बराबर है। मैं देखो एक पॉइंट पकड़ता हूँ कोई भी ये, और इसको मैं मूव करता हूँ, ऑब्जेक्ट का स्मूथनेस है वो वैसे के वैसे रहा है, स्मूथनेस में कुछ चेंजेस नहीं हुए, राइट। समझ रहा है, समझो मैंने इसका ये दोनों को पकड़ा और खींच लिया ऐसा, मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, फिर भी ये कुछ स्मूथनेस उसका है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट हुआ नहीं है, बराबर है। तो आपको जो समझो एक कोई सोफा बनाया है उसको खाली लेंथ बढ़ाना है, तो आप FFD 2 यूज करो। समझो एडिटिंग करते वक्त इसके अंदर क्या होगा, 3 में एक बीच में आएगा, समझो मुझे एक साइड से बढ़ाना है, टॉप में देखेंगे हम लोग एक ही साइड बढ़ानी है, ऐसा भी कर सकते हो। हम लोग लेते हैं FFD 4, ठीक है। अभी तो 4 साइड से बढ़ाना है, बीच वाला मेरा जो है सेंटर पोर्शन बराबर है, खाली साइड में से मुझे थोड़ा एडिटिंग करना है, थोड़ा ये बड़ा बढ़ा दिया, फिर इससे ये वाला थोड़ा बढ़ा दिया, तो ये वाला थोड़ा बढ़ा, समझ में आ रहा है। ये सेगमेंट देखो, ये सेगमेंट देखो, सब में वेरिएशन आते हैं, क्यों, हम लोग ने उसका स्ट्रेसनेस जो है वो चेंज कर दिया है। तो जैसा मैंने जितने पोर्शन से ज़्यादा स्ट्रेच किया तो वो जो सेगमेंट है उनके बीच की गैप्स बढ़ गई, बराबर है ना। ये मैंने ज़्यादा खींचा है, ये ज़्यादा स्ट्रेच किया है, इन दोनों का डिस्टेंस देखो और इन दोनों का डिस्टेंस देखो, तो सेगमेंट देखो इक्वल नहीं है, थोड़े वेरिएशन है उसके अंदर। अभी मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ FFD बॉक्स, ये वाला। इनमें डिफरेंस समझ में आया ना, क्या होता है 2 में, क्या होता है, आपको 2 ही पॉइंट मिलेंगे, एक तो यहाँ पे मिलेगा एक तो यहाँ पे मिलेगा, सॉरी यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे मिलेगा, तो एजेस में मिल रहे हैं, 3 में बीच में एक मिल रहा था, जब मैं FFD 3 डाल रहा हूँ तो बीच में एक मुझे मिल रहा था कंट्रोल के लिए। 4 डालता हूँ, बीच में 2 मिल रहे थे, बट अभी मुझे ज्यादा चाहिए, बीच में मुझे ज्यादा चाहिए, बीच में 2 नहीं, मुझे यहाँ पे मेरे हिसाब से चाहिए सब। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास है FFD बॉक्स, ये FFD बॉक्स पुट करते तो यहाँ पे पूछता है मुझे सेट नंबर ऑफ पॉइंट्स, आपको कैसे पॉइंट चाहिए, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको लेंथ में कितने चाहिए, विड्थ में कितने चाहिए, हाइट में कितना चाहिए, आप जानो आपको जितना डालना है उतना डालो। 9 समझो, यहाँ पे मैंने 6 और ये 8 आ गया। हाइट में मैंने 4 रखे थे, 4 की 4 वैसे ही रखा है ऑलरेडी, और जो ये मैंने बढ़ा दिया, देखते देखो ऐसे 8 है, ऐसे 6 है, बराबर। अभी क्या करना है देखो, FFD के अंदर ये जहाँ पे जाएंगे हम लोग कंट्रोल पॉइंट्स, टॉप में जाता हूँ, यहाँ पे ड्रैग सिलेक्शन करता हूँ। ड्रैग सिलेक्शन का मतलब ड्रैग सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे सिलेक्ट करने के लिए, बट कैसे सिलेक्शन होता है इसका, नहीं वो तो मुझे भी मालूम है रे। इससे क्या होता है, जब मैं ये ऐसा सिलेक्शन किया ना तो नंबर ऑफ इसके नीचे भी जितने भी पॉइंट्स थे वो भी सिलेक्ट हो गए, ये मैंने बताया था आपको, आपने प्रैक्टिस नहीं की इसलिए आपको याद नहीं आ रहा है। मैंने टॉप में से कर रहा हूँ मैं, बराबर है। फ्रंट में जाते तो क्या हो गया, ये नीचे के पॉइंट्स है ना वो भी सिलेक्ट हो गए, देखो ये देखो
अब मुझे मुझे क्या करना था मालूम है, ये जो ऊपर ऊपर वाले नहीं, सब लोग जो टॉप पे है वही चाहिए मुझे, इसके बॉटम के मुझे कुछ भी नहीं चाहिए थे। तो मैं क्या करूंगा, अल्ट ये वाले दिख रहे मुझे चार, अपने को ऊपर के चाहिए, ट्रैक सिलेक्शन करने के लिए वापस करूंगा अल्ट दबा के, इतना एरिया, तो इतने पोर्शन पे मैंने मैंने डीसिलेक्ट कर दिया। देखो एक्सेस पॉइंट चेंज होता है, अंडू करता हूँ, एक्सेस पॉइंट सेंटर में है क्योंकि ऊपर से नीचे जितने भी थे सब लोग सिलेक्ट है, तो बराबर उन लोग का सब सबका सेंटर पॉइंट उसने पकड़ा, बराबर है। अल्ट ट्रैक सिलेक्शन करते, इतना एरिया मुझे नहीं चाहिए, आपका जो एक्सेस पॉइंट है एक्स वाई जेड वाला वो देखो चेंज होगा, ऊपर जाएगा बराबर, मतलब अभी ऊपर वाले जो है उनके सेंटर में चला गया वो। इसको मैं क्या करता हूँ, ऊपर उठाता हूँ, ट्रैक करता हूँ, ओके okay? टॉप में देखेंगे तो इतना एरिया मेरा ऊपर आ गया है। अभी मैं ये वाला एरिया लेता हूँ, अगेन सेम, इतना पोर्शन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बराबर है। देखो क्या बन रहा है आपका, क्या हो सकता है, हिलो बना रहा हूँ, अगेन ट्रैक सिलेक्शन, साइड में से सबका सिलेक्शन कर दिया ट्रैक करके चारों साइड का, और मैं यहाँ पे बोलूंगा स्केल, यहाँ पे मुंह नहीं करेंगे, मुंह करेंगे तो एक साइड से दब जाएगा ना, बराबर ना, प्रैक्टिकल सोचो ना समझो, मैं एक साइड से मुंह कर दिया कोई भी एक साइड में, तो दूसरा साइड अंदर चला जाने वाला है, अपने को ऐसा नहीं करना, अपने को चारों साइड से बाहर निकलना है, तो मुझे स्केल करना पड़ेगा ये वाला एरिया थोड़ा ज्यादा, इसके ऊपर डालते हैं सिमेट्री मॉडिफायर, एक्सिस जो है मेरा वाई, बोलूंगा फ्लिप कर, सॉरी जेड एक्सिस था मेरा, मिरर जो मिरर में चले गए यहाँ पे, समझा समझा, पिलो कैसे बने, सिमेट्री कैसे काम करता है, आप एक बेसिक पिलो जो बोलते हैं ना ऐसा बना सकते हैं। अभी बोर्ड डिजाइन आते हैं, यहाँ से थोड़ा रिंकल्स निकाला हुआ है सर, ऐसा वो आपको पॉली में बनाना पड़ेगा, ज्यादा रिंकल्स वगैरह सब, जब इसको एडिटिंग कर करके पॉली हम लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पॉली क्या चीज होती है। बट एक एक बेसिक शेप हमारा बन गया, उसके ऊपर एडिटिंग हम लोग पॉली में करें वो हो जाएगा, क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं ना, अभी भी समझो मैंने ये नहीं बना रहे, सिमेट्री मैंने निकाल दिया और इसका थोड़ा सा पोर्शन चेंज कर दिया रहता, दूसरा ले लीजिए, डाला FFD बॉक्स डालते वापस, और यहाँ पे थोड़ा सेगमेंट बढ़ा देते हैं, मैं ज्यादा नहीं डाल रहा हूँ, सेम मेथड कर रहा हूँ यहाँ पे भी, बट पिलो में ज्यादा हम लोगों ने ऊपर लिया था, इसमें ज्यादा नहीं लेंगे, ट्रैक सिलेक्शन, ऐसा ऐसा एकदम हल्का लेने का ये वाला क्वेश्चन, ओके देन इसी का कॉपी बनाते हैं,
ठीक है, शिफ्ट से कॉपी कर दे, सेम है तो मैं इंस्टेंस रखूंगा, स्नैपिंग यहाँ पे प्रॉपर मैच करना है, अगेन शिफ्ट से कॉपी, लॉक करके मैं स्नैप कर रहा हूँ उसको कि मुझे मेरा प्रॉपर बने। ओके ऐसा कुछ दिख रहा है, क्या बना रहा हूँ बोलना, डाउट है ये, वापस दिखाओ, पूरा वापस दिखाओ, कॉपी कैसे किया? कुछ नहीं, मैंने जब ये सब मेरा बंद कर चुका है तो तेरे को लगता है डाउट, ये ऑन ट्राई गलती से मेरे से हुआ रहेगा तो शिफ्ट से कॉपी कर दिया। अरे यार ठीक है, शिफ्ट कॉपी, मैं इंस्टेंस रखा, सेम है ना, मतलब मैं एक में चेंज करूंगा कुछ तो सेम दिखना चाहिए ना, ये अलग है वो अलग है ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इंस्टेंस यूज कर रहा हूँ ताकि एडिटिंग में मुझे आसानी हो जाए। मैं स्पेस बार दबा रहा था, यहाँ पे मैं दे रहा था लॉक सिलेक्शन, मतलब क्या होगा ये लॉक होएगा ऑब्जेक्ट, और मैं ये पॉइंट पकड़ूंगा तो मुझे मैच करने में आसानी होगी, बस अगेन इसको अनलॉक करना पड़ेगा, इंस्टेंस स्पेस बार से लॉक, लॉक ओके लॉक, इसी का ही बैक रेस्ट के लिए सेम कॉपी करो, शिफ्ट से कॉपी, सेम रहेंगे तो सेम, अगर इसको इसमें आपको एडिटिंग करना है थोड़ा तो नॉर्मल कॉपी रखो, तो क्या होगा समझो मैंने इसमें कॉपी रखा और मैंने इसके अंदर कुछ छोटे मोटे एडिटिंग कर दिए, मैं 45 डिग्री में विजुअली में कर रहा हूँ, आपको प्रॉपर एंगल में काम करना है तो आप एंगल में भी काम कर सकते हो, तकलीफ देता है। वेट वेट वेट, डिटेक्ट करता है ना वो, नीचे लिख के देख, सर्चिंग सर्चिंग कर, नहीं ये नहीं लगाना चाहिए, होया रहेगा सॉ, वेट गाइस टेक्निकल इशू है, प्रोजेक्टर नहीं चल रहा है, ओके पैसा भी रख सकते हो, चेंज करना पड़ेगा ना, बस दिल वाला मन तो झोप काढून घेणार आहे, हां तो बाकीचे सगळे जण ते सकाळी 7 वाजता उठणार आहे, ते वेळे आहेत सुटले गेलता का? पाटला बिटला बोलून नाही,
बिल्कुल चेंज करो क्या, क्या करोगे? बिल्कुल गुजर जाओ, निकल रहे बार बार, क्या फिर करोगे? वो ना चले प्रोजेक्टर इश्यू, जरा 2 मिनट रुको, जरा 2 मिनट, 2 मिनट। कोई डाउट है आपको? इसको क्या हो गया? आपको कुछ डाउट है तो मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखना, नो डाउट्स। ओके, कनकवली, फेवरेट कनकवली, कोई एनी डाउट्स? अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने डाउट पिन चेंज कर, तेरे को बंद करो, ये पिन है ना, ये पिन दिखा रहा है व्हाइट लग। टेक्निकल वाला मेरे यार, मैं करूंगी दिख रहा है ना सबको, थोड़ा ऐसा दिखेगा, चलेगा ना ऐसा? आज के दिन देख के बाद में बोलता मैं आपको सॉल्व कर रहा। ओके, मैंने यहाँ पे ऐसा कॉपी कर दिया। अगर इसके अंदर समझो मैंने एडिटिंग किया, या हाइट मुझे ज्यादा लग रहा है, तो हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, मैंने इन तीनों को कॉपी बनाया था, इंस्टेंस नहीं बनाया था, याद है ना? अभी तो मैं क्या करता हूँ, चैम्फर बॉक्स में इसका विड्थ चेंज करते हैं। तो जो बाकी के जो तीन थे ना पहले जो बनाए थे, उसमें इफेक्ट नहीं हो रहा है। लिंक देखो कैसे हो गया इन दोनों, हमने उन्हें इसका तीनों का पहले इंस्टेंस बनाया था, मतलब ये तीनों एक दूसरे से लिंक है, बराबर। फिर ये तीनों का कॉपी बना दिया। जब कॉपी बनता है, जो पहले वाला लिंक था ना तीनों में, जो तीनों का रिलेशन है, वो वैसे की वैसे मेंटेन रहता है, बराबर। हल्का सा विल चेंज, ओके। इसका बाद में आप एंट्रेस्ट वगैरह कर दो, और इसके नीचे और एक सरफेस रहना चाहिए, वो आप बना सकते हो, पर बेसिक में ना ये बन गया। अगर आपको ये थोड़ा और ज्यादा बल्कि बनाना है तो इसको बना दो। ये जो FFD बॉक्स है, ये कंट्रोल पॉइंट्स जो है, स्ट्रेच करो और तो हो जाएगा। सेगमेंट्स देखो मैंने कितने डाले थे पहले, हम लोग एक बार सेगमेंट चेक करते हैं, नहीं डाले थे। अगर आप ज्यादा सेगमेंट लोगे तो और ज्यादा स्मूथ हो सकता है। नहीं डिपेंड, आप ज्यादा भी मत डालो, बहुत ज्यादा डालोगे तो हेवी होएगा। फिर आपने एक एक सोफा डाला है, आप समझ बड़ा एरिया है, जो मैंने लिविंग एरिया आपको दिया उसमें देखो ना, एरिया बहुत बड़ा है, ज्यादा सोफे बैठ सकते हैं, इवन उसके अंदर मास्टर चेयर भी बैठ सकता है, तो ये सबका सेगमेंट वो काउंट होएगा, फिर हेवी होएगा भाई। उसमें भी ऑप्शन है अपने पास कि वो हेवी ना हो, रेंडर में थोड़ा और इजी हो ना, कैसे हो सकता है वो देखेंगे हम लोग आगे। ओके, FFD समझे सबको? किसी को डाउट नहीं FFD में? आपको थर्ड ईयर, आपको तो लगा था नहीं? ओके,
अभी लाइंस के कुछ जो उन्होंने अभी ज्योमेट्री में देखे, मुझे समझो बीच में याद आ गया कि ज्योमेट्री का अपना स्किप हुआ था, वो तो भी लेंगे। हम लोगों ने स्प्लाइन पढ़ा था, स्प्लाइन छोड़ के चालू स्प्लाइन हम लोग ने देखा था, लाइंस देखे, सर्कल वगैरह सब सब पढ़ा है, याद देना सबको। अभी क्या करना है, स्प्लाइन के ऊपर जो मॉडिफाई काम करने वाले ना वो देख लेना। मैं फ्रंट में एक शेप ड्रॉ करूंगा, कोई भी एक शेप, नॉर्मल की सभी शेप रहेगा। समझो मुझे बॉटल बनानी है, ग्लास बनाना है, या फिर वास वो बनाना है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स है पर वो शेप में बनाए, कोई अच्छा बॉक्स नहीं है या प्रॉपर सिलेंड्रिकल नहीं, हम तो ये पॉट है सामने, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट्स है आप बना सकते हो, या फिर बकेट, पानी का बॉटल, जो भी है। क्लिक, यहाँ से मैं इतना क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा सर्कुलर मुझे चाहिए, ये यहाँ पे ऐसा टिल्ड होगा ऐसा, देन अभी मुझे थोड़ा बॉटम में जाना है नीचे, और नीचे का थोड़ा सरफेस देखना चाहिए। अभी मैं मेरा यहाँ पे समझो कट हो रहा है, यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा अपना कर्सर नीचे लेके आई प्रेस करूँगा, आई आई आई, ओके ऊपर जाऊंगा आई, और ये यहाँ पे, ओके मैं यहाँ पे ब्रेक करूंगा इसका। मैंने क्या किया, आउटलाइन बना लिया, कोई भी एक शेप है ना उसका आउटलाइन ड्रॉ किया, ये पॉट का समझो आप देखोगे आउटर लाइन, आउटर लाइन एक साइड का आउटर लाइन देखो, बॉटल रहेगा बॉटल का आउटर लाइन ले लो बस, और कुछ नहीं करना है। और इसके अंदर आपको जैसा मॉडिफिकेशन चाहिए वही हिसाब से मॉडिफिकेशन कर लेंगे। ये पॉइंट अंदर की तरफ थोड़ा, इसके अंदर अपने को इंटरपोलेशंस बढ़ाने पड़ेंगे, राइट। एडेप्टिव, ठीक है। फिर ये ऐसा शेप, ये मेरा प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, यहाँ पे थोड़ा इश्यू है, ये सॉल्व कर लेते हैं एक्चुअली, बेजियर कॉर्नर, ये पोर्शन ये कॉर्नर ही होना चाहिए, इसका कोई इश्यू नहीं। स्नैपिंग से ये पॉइंट में यहाँ पे मैच करता हूँ, चाहे तो इसको भी हम लोग कॉर्नर करते फिलहाल के लिए, और इसको फिलेट डालते हैं, का स्मूथनेस है ना, ये कॉर्नर ऐसा शार्प नहीं रहेगा, वो हल्का सा स्मूथ रहेगा। ठीक है, क्या एरर ओके, ठीक है, ये अपने को फाइल रिकवर करके देगा, इशू नहीं। ओके एरर आ गया, बाउंसर जा रहे क्या वो, नहीं ना, सबके चेहरे से पड़े क्वेश्चन मार्क सबके सामने है।
फाइल ओपन, और ये बैक में मेरा ऑटो तो बैक में क्रैश हुई फाइल मुझे यहाँ पे मिलेगी, अनटाइटल रिकवर, आज का डेट टाइमिंग बराबर है, यही फाइल है। ओके देखते एक बार शेप टॉप में बराबर है। कभी कभी क्या होता है आप ड्रॉ करते हो ना, ये पॉइंट इधर उधर भाग जाते हैं। जब एक बेसिक शेप बना दिया तो चेक करो एक बार, थोड़ा चेक होना चाहिए ये बराबर है कि नहीं है। ओके बराबर है, टॉप में भी बराबर है, फ्रंट में भी बराबर है। अभी इसके ऊपर एक मॉडिफाई डालना है, लेथ मॉडिफाई, लैटिस तो हम लोगों ने देख लिया। लेथ ठीक है, ये LATHE लेथ मॉडिफाई। आपको बेसिक ऐसा दिखेगा, जब ये ड्रॉ होएगा ऐसा दिखेगा, ये मेरा शेप नहीं है बराबर। अपना एक्सिस पॉइंट बराबर है क्या, यहाँ पे एक बार चेक करते हैं डायरेक्शन में, एक्सिस पॉइंट बराबर है क्या, ये कौन सी डायरेक्शन में 360 घूमना चाहिए ये आपको मालूम होना चाहिए। ये तो बना ही है, ये लगभग कुछ बना है बट ये प्रॉपर नहीं है ठीक है। जेड में ये भी नहीं है, मतलब एक्स और जेड अपने कुछ काम के नहीं है, अपने काम का जो था वो वाई वाला था। वाई में देखते हैं इसकी अलाइनमेंट मेरी चेंज हो गई बराबर है, अलाइनमेंट एक बार देखते हैं, मिनिमम अलाइनमेंट में ऐसा दिखता है, अपना शेप ऐसा ही था कुछ, सेंटर में ऐसा दिखता है और मैक्स में ऐसा दिखता है, मतलब मैक्स और सेंटर दोनों काम के नहीं, मिनिमम में जाते हैं फिर भी मेरा ये शेप ऐसा क्यों दिख रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये वेल्ड कोर करके जो लिखा है ये आपको एक बार ऑन करना है, और ये फ्लिप नॉर्मल आ गया। ब्लैक क्यों दिख रहा था, फ्लिप नॉर्मल करने के बाद क्यों प्रॉपर शेप में आ गया, जब ये 360 घुमा तो इसका एक वर्ल्ड होता है, तो अपना जब सनलाइट आती है ना कभी, तो ऐसा नहीं ना अपने सनलाइट जब इंडिया में है, या फिर अभी इंडिया में अपने यहाँ पे मुंबई में ही है, पुणे में नहीं हो रहा है, या फिर तो वो डायरेक्शन में उल्टी डायरेक्शन में चला गया था, सरफेस जो है अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, इसके लिए वजह से वो आपको ब्लैक दिख रहा था। अभी लाइट सोर्स नहीं मिल रहा उसको, अपोजिट डायरेक्शन में था। फ्लिप नॉर्मल करने के बाद वो नॉर्मल में आ गया, आपको जितना स्मूथनेस चाहिए वो हिसाब से आप स्मूथनेस डालोगे, ये कम करोगे ऐसा दिखेगा। ठीक आपको जैसा चाहिए ऐसा चाहिए तो ऐसा भी बना सकते हो। ओके फिर शेप आपको जो लगता है ये बहुत बड़ा हो गया है तो आप इसको बाद में एडिटिंग भी कर सकते हो, तो मैं वापस इसके अंदर चला गया तो मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा बाहर आ गया था, तो मैं इसको अंदर ले सकता हूँ। अभी यहाँ पे समझ भी नहीं आता है, जब 3D रहता है सामने तो अपने को समझ में आता है, प्रॉपर प्रोपोर्शन समझता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है शो एंड रिजल्ट ऑन ऑफ ट्रगल, ये इससे क्या होगा आप एडिटिंग करते वक्त आपको 3D दिखेगा, ये देखो आप सरफेस मोड में जाओगे तो सरफेस मोड में दिखेगा डिफॉल्ट शेडिंग। ये वाला पोर्शन कैसा होना चाहिए था, ये ज्यादा अंदर चाहिए तो मैं ज्यादा अंदर लूंगा, यहाँ पे कुछ एडिटिंग करना है आपको, डिपेंड गाँव में ऐसे रहता है आवाज बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं आप, डिपेंड। ओके समझा, नेक्स्ट मॉडिफाई समझा, अभी नेक्स्ट मॉडिफाई, अच्छा हाँ अंदर से खोलो चाहिए आपको बराबर। अभी मैंने बनाते वक्त ना जानबूझ के ही बनाया था मैंने, ये वाला पॉइंट है ना ये नहीं चाहिए, ये वाला पॉइंट अपना अपने को नहीं चाहिए था एक्चुअली, ये पॉइंट ऐसा चाहिए था ऐसा इधर ऐसा, या फिर डिलीट कर देते हैं। अगर आपको अंदर का सरफेस भी दिखाना है तो आपको ये वाला पोर्शन थोड़ा सा एडिटिंग करके ऐसा कुछ रखना पड़ेगा और लेफ्ट ले देना पड़ेगा, तब जाके टॉप में ऐसा बोलेगा, समझे। तो ये मैं निकाल दिया, ये नहीं चाहिए मुझे, ऐसा देखिएगा। बट कभी क्या होता है जब जो क्लोजअप एंगल रहेगा तो ये आपको ऐसा यहाँ पे ये इश्यू देता है, ये कर
समझो मुझे इसका थिकनेस भी दिखाना था, तो मैं क्या करूंगा, एक मॉडिफाई आता है, देखो ये याद आया, शेल मॉडिफाई, ये शेल, इससे थिकनेस मिलता है कोई भी सरफेस। समझो मैंने प्लेन ड्रॉ किया था, ये प्लेन सरफेस है जिसके ऊपर कोई भी थिकनेस नाम की चीज नहीं है, इसको प्लेन में थिकनेस नहीं होता है। समझो मुझे थिकनेस देना है, या कोई शेप बना है उसको थिकनेस देने का है, तो मैं क्या करूंगा इसके ऊपर डालूंगा शेल मॉडिफायर, शेल SHELL, ओके शेल। तो यहाँ पे पूछता है इनर अमाउंट आउटर अमाउंट, अंदर वाला अमाउंट कौन सा है और बाहर वाला अमाउंट। अभी प्लेन में तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये अभी नीचे जो दिखा रहा है उल्टा दिखा रहा है, ये मैं वापस जीरो करता हूँ, वन बाय डिफॉल्ट, ये ऊपर की तरफ, कौन सी तरफ से, ऊपर नीचे इनर आउटर, ठीक है। और सेगमेंट चाहिए इसके बीच में, तो सेगमेंट भी डाल सकते हैं इसका, जो थिकनेस मैंने ड्रॉ किया उसके अंदर सेगमेंट चाहिए, तो आप सेगमेंट भी डाल सकते हो। ऐसा ही मैंने इसके ऊपर शेल मॉडिफाई दिया और मैं इसको थिकनेस दूंगा, हो गया। ओके अभी एक दो मॉडिफाई देखने का है, मोल्डिंग बनाते हैं ना, मोल्डिंग, मोल्डिंग आप जो बिल्डिंग्स में लगता है या फिर फर्नीचर में लगते हैं, हाँ वैसा टाइप का कुछ मोल्डिंग रहेगा आपके पास, और वो बनाना है मुझे सब। तो मैं कैसे बनाऊंगा 3D मोल्डिंग के प्रोफाइल आपको बहुत सारे मालूम है, अगर प्रोफाइल नहीं मालूम है मोल्डिंग्स के तो आप नेट पे गूगल करो, ये इसका जो प्रोफाइल रहता है ना शेप, ये देखो ये देखो, ये जो शेप है ना आउटर वाला, ये वही अपने को चाहिए बस, ऐसा राउंड हाफ राउंड रहता है, या फिर ऐसा डिजाइन वाला रहता है, फिर ऐसे भी रहते हैं, ऐसा रहता है, ये अपने को चाहिए। समझो मैंने एक बेसिक ये ड्रॉ कर दिया, अभी मैं बेसिक बना रहा हूँ, इसके ऊपर एडिटिंग करेंगे आप लोग। टॉप में एक बार चेक कर लेते हैं, बराबर है, फ्रंट में अभी इसको एडिटिंग करना चालू करते हैं। ये पॉइंट पकड़ा, ये पॉइंट मेरा कुछ गलत बना है, टेढ़ा बना है, स्नैपिंग से इसको स्ट्रेट करके लेते हैं। अभी ये शेप थोड़ा बिगड़ गया, ये बीच वाला, ये चाहे तो आपको लगता है यहाँ पे और एक होना चाहिए, तो आप डाउट, आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये इतना पोर्शन हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, कुछ मुझे ऐसा घुमाने का था, ये वाला मैं निकालता हूँ फिलहाल के लिए, देखते हैं क्या शेप बनेगा। और ये वाला मैं यहाँ पे लेता हूँ, ओके बराबर बना रहा हूँ, या कुछ गलत बना रहा हूँ मैं, बोलो क्या, तो बोलेंगे हाँ हाँ कर रहे हो, मैं गलत बना रहा हूँ। ये मैं साइड का मोल्डिंग बना रहा हूँ, सीलिंग में जो लगाते हैं ना वो, वॉल पे नहीं, वॉल का मोल्डिंग अलग होता है, सीलिंग का मोल्डिंग अलग होता है,
ये आपने पढ़ा भी रहेगा शायद। प्रॉपर एक बार शेप बन गया ना बस फिर खत्म सब चलेगा। अभी आपका ये मेन प्रोफाइल बन गया है, जो शेप है वो बन गया। आपका एरिया जो है समझो स्क्वायर एरिया रहेगा तो स्क्वायर रहेगा, सर्कुलर रहेगा तो सर्कुलर रहेगा, आड़ा तेढ़ा है सब। तो आपको एक लाइन से ऐसा भी शेप ड्रॉ करो, क्लोज है तो क्लोज, नहीं क्लोज है छोड़ दो, इसके ऊपर मॉडिफाई डालना है। बीवेल प्रोफाइल, बीवेल प्रोफाइल ठीक है, ये मैंने मॉडिफाई डाला। और मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर जो शेप बना है ना वो मुझे पिक करना है। यहाँ पे रहता है बीवेल प्रोफाइल, पिक करते यहां से। डिलीट सिलेक्शन फाइल, पिक करने के लिए ऑप्शन किधर गया इसको? एक मिनट, ये नए वर्जन में ना ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं है ठीक है। हम लोग स्वीप मॉडिफाई डालते रहते हैं, दोनों एक ही काम करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है स्वीप और बीवेल प्रोफाइल में। बीवेल प्रोफाइल देखते हैं एक बार। स्वीप मॉडिफाई में यहाँ पे ऑप्शन होता है यूज कस्टम सिलेक्शन पिक, और ये जो आपने बनाया शेप ठीक है। ये मेरा शेप तो ऑलरेडी है, और अभी एक लाइन ड्रॉ करना है। फ्रंट में ड्रॉ किया था, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता फिलहाल। ओके, इसके ऊपर मैं स्वीप मॉडिफाई डाल रहा हूँ, और यहाँ पे बोलता है यूज अ कस्टम सिलेक्शन पिक, और यहाँ पे पिक करना है ये बन गया। बीवेयर प्रोफाइल के लिए तो अभी मालूम नहीं है, 21 में मुझे कुछ अलग दिख रहा है। ओल्डर वर्जन है ना 17, 18, 19, 20 तक, वहां पे रहता है पिक प्रोफाइल करके। जो बीवेयर प्रोफाइल के ये बाजू हो गया ना, आप कर सकते हो, कर सकते हो। देखो अपने का भी वही देखने का, ये प्रोफाइल तो मैंने बना दिया। इसके अंदर ज्यादा ऑप्शन है आपके पास, आपके पास ये कस्टम शेप मैंने बनाया था, इसके अंदर रेगुलर शेप्स होते हैं जो यहाँ पे है। यूज बिल्ड सिलेक्शन में जाएंगे वापस, और यहाँ पे लिखा है एंगल। ये एंगल जो है, आपने कभी कंस्ट्रक्शन साइट देखे ना, मेटालिक जो बड़े बड़े कार शेड बनते हैं, समझ में आ रहा है ना कार शेड क्या होता है? जो ट्रेन का कार शेड रहता है या फैक्ट्री कार जो शेड रहता है, उसमें ये ऐसे चैनल लगते हैं, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको। आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन में पढ़ा है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है।
तो इसमें ये एल टाइप का एंगल, ऐसा एंगल लगेगा। फिर इसका साइज होता है अलग से, आप इसका साइज आपके हिसाब से लोगे, थिकनेस देना है समझो, उसमें थिकनेस भी दे सकते हो। इसके अंदर मेरे पास इतने टाइप से बॉक्स, चैनल, सिलेंडर, हाफ राउंड, पाइप, क्वार्टर राउंड, टी करके है के, ट्यूब है, इतने सारे शेप्स हैं। जो आपको लगेंगे वो आप यूज करोगे, बराबर। मैं हम जो यहाँ पे बार लिया तो ये ऐसा दिखता है, स्क्वायर वाला रहेगा। अभी टॉप में देखेंगे, ये शेप तो मेरा यहाँ पे बना था, बराबर है ना। मैं वापस बिल्ड, ये अपना जो ओरिजिनल वाला था वो मैं ही लेता हूँ। ये उल्टा हो गया, तुम लोग बोल रही है उल्टा हो गया, तो क्या करने का, यहाँ पे जाने का स्प्लाइन में, सिलेक्ट द स्प्लाइन, यहाँ पे रहता है रिवर्स करके, रिवर्स, इसके ऊपर क्लिक करो, देन वापस फिट में जाओ। आगे अंदर दूसरा मेथड था, समझो मैंने ये रिवर्स नहीं किया होता तो मुझे यहाँ पे एक नीचे बॉटम में एंगल करके रहता है, ये चेंज करो, बट इससे पूरा प्रोफाइल घूम रहा है मेरा। ये डॉट दिख रहे सब, ये क्या है, जब आप देखोगे आपकी जो लाइन जो बनी है, ये समझो ये मैंने बंद कर दिया है, ये लाइन आप देखोगे तो ये बराबर सेंटर से बना है, ये लाइन के आधा इस तरफ है आधा उस तरफ है, ऑन ऑफ करता हूँ, बराबर है। मुझे लाइन के अंदर के साइड में ही चाहिए, बाहर के साइड में नहीं चाहिए। समझो आपने एक वॉल ड्रॉ की है, ये अंदर वाली वॉल है, और वहां पे उसमें अपने प्रोफाइल लाइन, ये प्रोफाइल शेप ड्रॉ कर दिया, वॉल के अंदर चाहिए बाहर चाहिए, अंदर चाहिए, तो क्या करोगे आप, ये पॉइंट का इस्तेमाल करोगे। आप देखना ये वाला पॉइंट लेंगे, ओके समझा, कौन सा टॉपिक नहीं समझा इसमें। ये ये पॉइंट जो है ना, ये क्या काम करता है, आपने समझो एक वॉल ड्रॉ की, मेरे पास एक वॉल है या मेरे पास कोई बाउंड्री लाइन है, समझो मुझे उसके बाहर वाले साइड में चाहिए अंदर वाले साइड में चाहिए, ये मुझे मालूम होना चाहिए, क्योंकि अभी समझो मैंने ये पॉइंट का इस्तेमाल नहीं किया तो ये बराबर सेंटर पे है, मतलब क्या होने वाला है, ये आधा वॉल के अंदर घुस जाएगा और अंदर आधा बाहर आएगा। अगर आप इंटीरियर में डाल रहे हो तो आपकी आधी मोल्डिंग तो वॉल में चली गई, बराबर ना। ये पकड़ो कि ये वाला आपका इनर साइड है, ये आउटर साइड है, ये समझ के चलो। अभी मुझे क्या करना है, ये प्रोफाइल तो मैंने बना दी, आधा बाहर वॉल के अंदर घुस गई, बराबर दब गए वो, तो अभी मैं ये पॉइंट का इस्तेमाल करूंगा। ये पॉइंट के ऊपर खाली क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है, क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा प्रोफाइल शिफ्ट हो गया किधर, अंदर वाली साइड, अंदर मैं ये वाला पॉइंट देता हूँ तो वापस शिफ्ट हो गया किधर, बाहर वाली साइड, साइड समझा। ये बेनिफिट इसके अंदर है, बीवेल प्रोफाइल में ये बेनिफिट नहीं है, बीवेल प्रोफाइल में खाली शेप ड्रॉ करके देगा, छोड़ देगा, बस आप एडिटिंग करते बैठो, फिर क्या करना, ऊपर करो, फिर प्रोफाइल जो शेप है वो बाहर निकालो, वो थोड़ा मगजमारी वाला, ये बहुत इजी है, मतलब ये ड्रॉ कर दिया, एक पिक कर दिया, ये मैं देखता हूँ प्रीवियस प्रोफाइल के अंदर क्या इशू आ रहा है, वो पुराने वर्जन में तो नहीं दिख रहा था मुझे, ये नया 21 में दिख रहा है मुझे, 19 तक तो मैं, 20 तक तो नहीं था, ठीक है समझा, इतना कोई डाउट नहीं अभी भी, ओके आपको कोई डाउट। सर प्लीज शो द स्क्रीन, अभी स्क्रीन को क्या होगा, स्क्रीन विजिबल, ठीक है।